तो सहिष्णुता का विकास हमारे अंदर कैसे हो, इसके लिए प्रेक्षा ध्यान में एक बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है, अनुप्रेक्षा के अंतर्गत सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। तो हम प्रयोग करेंगे, आप सभी तैयार हो जाए। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। आसन का चयन करें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन कर लें। मुद्रा का चयन करें, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद, अरहम की ध्वनि 9 बार ध्वनि का प्रयोग। देह सूत्र संपेक्खयी
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। मांसपेशियों को ढीला छोड़े। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय गुप्ति का अभ्यास, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। ये रहे खोज के मुख्य नतीजे। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे।
ध्यान का अगला चरण सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करते हुए नीले रंग का ध्यान। मयूर कंठ के समान चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें अपने चारों ओर मयूर की गर्दन की भांति नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चमकता हुआ नीला रंग चमकते हुए नीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकीले नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। नीले रंग का श्वास प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। प्रत्येक कोशिका तक नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर गया। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भरा हुआ। चित्त को पुनः विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर चमकीले नीले रंग का ध्यान 2 मिनट तक तल्लीनता के साथ विशुद्धि केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग उभर रहा है। कंठ के स्थान पर चमकीला नीला रंग उभर रहा है।
विशुद्धि केंद्र पर चमकीला नीला रंग उभर आया है। श्वास की गति को मंद करें, पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से विशुद्धि केंद्र पर चमकीले नीले रंग को देखने का प्रयास करें। अब चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए दो पंक्तियों का उच्चारण, पंक्तियों का उच्चारण तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ 9 बार करेंगे। पंक्तियां हैं, सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। साथ साथ उच्चारण करें 9 बार। सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का अभाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अब इन पंक्तियों का उच्चारण मानसिक मनी मन 9 बार करें, तल्लीनता के साथ मानसिक उच्चारण। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा, मानसिक संतुलन बढ़ रहा।
हमारे अंदर सहिष्णुता की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ऋतु जनित कारण, रोग जनित कारण, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, विरोधी विचार, विरोधी स्वभाव, ये सब हमारे अनुकूल अगर कोई परिस्थिति नहीं होती है तो अभी हम सहिष्णुता की कमी होती है। तो हम अब एक एक बिंदु पर विचार करते हुए अनुचिंतन करेंगे। अनुचिंतन करें ऋतु जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। ऋतु जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इसके स्वभाव को कम करना है। ऋतु जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। रोग जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। रोग जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। रोग जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी विचार मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी विचार मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी विचार मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी स्वभाव मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी स्वभाव मुझे प्रभावित करते हैं,
किंतु इनके सब प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी स्वभाव मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी रुचि मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी रुचि मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। विरोधी रुचि मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। ये सारे संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां छीन होगी। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां छीन होगी। जितना ही मैं इनसे कम प्रभावित होऊंगा उतनी ही मेरी शक्तियां बढ़ेगी। जितना ही मैं इनसे कम प्रभावित होऊंगा उतनी ही मेरी शक्तियां बढ़ेगी। इसीलिए सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। मेरे अंदर सहिष्णुता का विकास हो रहा है। सहिष्णुता का विकास हो रहा है। सहिष्णुता का विकास हो रहा। बार बार अनुचिंतन करें, सहिष्णुता का विकास हो रहा है। सहिष्णुता का विकास हो रहा है। सहिष्णुता का विकास हो रहा है। मेरे अंदर सहिष्णुता का विकास करना मेरा परम लक्ष्य है। मेरे अंदर सहिष्णुता का विकास हो रहा है। सहिष्णुता का विकास हो रहा है। सहिष्णुता का विकास हो रहा है। सहनशीलता बढ़ रही है। सहनशीलता बढ़ रही है। सहनशीलता बढ़ रही है। बार बार अनुचिंतन, जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे। सहिष्णुता का विकास हो रहा है। सहिष्णुता का विकास हो रहा है। सहिष्णुता का विकास हो रहा है।
दो तीन लंबे श्वास भरे और लंबे श्वास छोड़े। विवेक सूत्र अपना सच में से जा मैं ते भुवे सुका पाए अपना सच में से जा मैं ते भुवे सुका पाए अपना सच में से जा मैं तिम भुवे सुका पाए। स्वयं सत्य खोजे सभी के साथ मैत्री करे। आहं सुविद्या चरणं पमोखम् आहं सुविद्या चरणं पमोखम् आहं सुविद्या चरणं पमोखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र सत्य की वंदना तीन बार वंदनासन में आते हुए वंदे सच्चम् वंदे सच्चम् वंदे सच्चम्। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोले, आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए, आराम से बैठे, बिल्कुल सीधे बैठे।